शाम के बारे में, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, आप कितने एक्साइटेड थी। थैंक यू सो मच। वैसे ये मेल पैजेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आज हमने देखा बहुत ही सुआव, सोफिस्टिकेटेड, गुड लुकिंग, टैलेंटेड, वेल ग्रूम बॉयज को, और बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल माई बेस्ट विशेज। इनफैक्ट एक को मैंने फेलिसिटेट भी किया फॉर मिस्टर स्टाइलिश, ही वॉज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। सो इट्स लवली टू सी द पैशन एंड द फर्वर। एंड मैंडेट ने ये बहुत ही अच्छा एक एंडेवर किया है टू यू नो इनकरेज बॉयज, इनसे इनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं फॉर टेलीविजन, फिल्म वर्ल्ड, मॉडलिंग एंड व्हाट हैव यू। दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म आई वुड से। कोई तीन चीज आपको मतलब ऐसी एक परफेक्ट बॉय को देखने के लिए आपको लगती है, कोई तीन चीज? तो ऑफ कोर्स पर्सनालिटी, नाइस काइंड आईज और सेंस ऑफ ह्यूमर, ये तीन चीजें। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? देखो आनंद हो एक्चुअली थोड़ा बात लेना पड़ेगा। अरे वाह यार, आपसे बोलो भाई, नीचे के ऊपर करना पड़ रहा है। बिग बॉस आ रहा है आपकी बार की बार यार। सबसे पहले भी देखो देखो सब एक प्रॉमिस करो, मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, हाथ साफ कर रहा हूँ पहली बार, और अच्छी फिल्म है तो सब आप उसे अच्छा प्रमोट करना। अगर मैं उल्टा सीधा करूँगा तब भी बोलना कि वाह यार क्या एक्टिंग की यार, जबरदस्त, ऐसा टैलेंट था ही नहीं पहले कभी, तब बोलना सब। एक्चुअली ये शो के लिए जब मेरा पहला इंटरव्यू आया तो मैंडेट मैगजीन ने किया था जब मैं मुंबई आया, तो अच्छा है, कितना बड़ा मतलब इज्जत वाला एक हाउस है, उसके साथ जुड़ना अच्छा है। मगर इतने बंद एकदम चड्डी में आ जाएंगे, वो कितनी की थी कि मतलब चड्डी में ऐसे 15-20 ऐसे मतलब सांड कूद जाएंगे, मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि मॉडलिंग ऐसी होती है। तो मैं पूछ रहा था मॉडलिंग ऐसी होती है, तो अच्छा यार फिर भी सब ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी फोकस्ड हैं कुछ जो बाद में देखा मैंने, तो जो अच्छा होगा उसको मिलना चाहिए प्राइस। बाकी पायल बताएगी। I've been a part of a pageant, so I understand Sangramji's reaction for the swim bear round, but obviously my first nomination for a film, Ye Kya Ho Raha, happened through Magna House. So again, this is a very close company, and मैं उनको wish करूँगी Mandate Model Hunt को. It's my first time हम दोनों यहाँ पर आए हैं. We wish them all the best, and I hope they can churn out good young talent. और आप सब हो तो इस चीज को बड़ा हो रहा है, वरना बड़ा नहीं होता, आप सब बड़ा कर रहे हैं। सर पायल, बिग बॉस का आपने देखा है, ट्रेलर देखा है आपने? एक्चुअली बिग बॉस मैंने एक शो देखा था जिसमें खली थे, क्योंकि खली मेरे भाई की तरह है, तो उन्होंने बोला बिग बॉस में मत जाना, ये सबसे बकवास शो है, ये ऐसा शो है। पर मैं पहुंचा, सच बताऊं 10 दिन समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्योंकि प्याज में झगड़ा कर रहा है, दिन में माँ की बहन की, रात को बाथरूम बाहर था तो बोले भूत आते हैं यहाँ पे ऐसी जगह, तो रात को उठाते भाई बाथरूम जाना है, दिन में इतना झगड़ा करते हैं, मगर इससे अच्छा कोई शो ही नहीं है। यही चीज़ है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि क्या बताऊँ। अगर आप जैसे इंसान हो, सच बताऊँ इस शो के बाद मेरी शुरुआत हुई, मैं तो यही कर रहा हूँ, और मालिक की दया से हर तीसरे दिन फिल्म आ रही है, और अच्छा है बिग बॉस का, मतलब इसी से कोई बेहतर शो नहीं है। It's one of the most, I think, loved, and Indian audiences love this reality show. So that's the USP of Bigg Boss. बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगा मैं भी अपनी फिल्म को, मगर अभी शूटिंग चल रही है मेरी फिल्म में, मेरे साथ ओमपुरी जी हैं, जिमी शेरगिल हैं मेरे साथ, संजय मिश्रा जी हैं, रजत कपूर जी हैं, और अर्चना पूर्ण सिंह जी हैं, ढेर सारे जी हैं। मैं उनको कह रहा था अगर मैं आपका 0.5% कर पाया सबका, तो मैंने बहुत कर लिया। एक अच्छी बात यह कि फिल्म में मैं स्पोर्ट्स कोच बन के आ रहा हूँ अपने नाम से, और यूथ की फिल्म है, और काफ़ी हाईली मतलब सोशल मैसेज है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे बोलूँगा। See, you all know I love him, so I will obviously wish the well for him. हाँ, मैं घर पे उनको बहुत टोकती हूँ, जैसे अभी भी मैं उनको टोक रही थी कि आप धीरे बोलिए, ये फटाफट बोलते हैं, तो इतना टोकना होता है ना कि आई थिंक ये फिल्म मोशन में बोलेंगे ठीक है पायल को मैं अकेले ही जाता हूँ। जो मेरा डायरेक्टर है उसको जो जैसा मैं वैसा ही चाहिए, जो मैं शो कर रहा था वो भी अपने नाम से ही कर रहा था, एक लाइफ ओके किया, हाथ साफ किया, वहाँ भी अच्छा सीखा, अभी फिल्म कर रहा हूँ, ओमपुरी जी हैं ये सब इतना सिखा रहे हैं, संजय मिश्रा जी हैं कि ये कैमरे का एंगल है यहाँ पे इतना है, रजत कपूर जी हैं, तो सबसे बहुत सीख रहा हूँ, वाकई इतने सीनियर हैं उनके साथ मैं, हालांकि सबसे मस्ती करता रहता हूँ, सब सीरियस बैठे रहते हैं, मैं कई बार मस्ती जाया करता हूँ उनके साथ, मगर इतना सीख रहा हूँ उनसे अच्छे से ज़्यादा। और सच बताऊँ कि ये अगर आप ईमानदारी से करो तो एक इतनी अच्छी लाइन है, इतनी जल्दी शोहरत, इज्जत और पैसा किसी लाइन में नहीं है, या राजनीति में या यहाँ पे। अच्छा संग्राम, अगर हम बॉक्सर्स की बात करें तो
विजेंद्र सिंह थे जो अपना बॉक्सिंग छोड़ के वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आए, अब आप भी आ रहे हैं। नहीं मैं एक्चुअली उनको रियलिटी में कौन सपोर्ट? नहीं देखिए मैं एक्चुअली मैं रेसलिंग से हूँ और मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। दिव्या क्या कहना चाहेंगे, आज आपने इस शो को जज भी किया है, क्या फीलिंग चल रही है? आई थिंक मुश्किल रहा ये, आई थिंक काफ़ी मुश्किल था जज करना क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट नेक टू नेक टच कर रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंस था क्योंकि इतना आसान नहीं होता यू नो अपने सारे कपड़े उतार कर जस्ट अपनी अंडीज में रैंप वॉक करना। एंड इवन एज जजेस हम सबके लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज अगर आप पूल के अराउंड और ऐसे वॉक कर रहे हैं तो वो फिर भी यू नो जायज़ होता है, बट रैम्प पर सबके सामने वेर द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू इज कम्प्लीटली ड्रेस्ड, सो आई थिंक बहुत बहुत कॉन्फिडेंट थे सारे के सारे कंटेस्टेंट्स एंड आई वुड से दैट मैंडेट हैज डन अ वेरी गुड जॉब। एंड तीन चीजें परफेक्ट मैन के लिए आप सोचती हैं कि ये तीन चीजें आई थिंक थोड़ी थोड़ी इम्परफेक्शन तो होनी चाहिए क्योंकि इम्परफेक्शन हो तभी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और मजा आता है, और अदरवाइज यू नो मैन में हमेशा एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, बहुत केयरिंग होना चाहिए एंड आई थिंक अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ के अलावा और किसी को नहीं देखना चाहिए। अभी और क्या है पाइपलाइन, अभी क्या चल रहा है? यारियां के बाद अभी मैं अपनी सेकेंड फिल्म प्लान कर रही हूँ और जल्दी टाइटल और स्टार कास्ट अनाउंस करूंगी और फेब में नेक्स्ट ईयर शूटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। किस तरह की फिल्म होगी कुछ आप? इस बार भी कोई नई स्टार कास्टिंग होगी? जी नई स्टार कास्ट तो नहीं है इस बार, एंड मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आप यारियां टू बनाओ, तो यारियां टू नहीं है, और एज अ डायरेक्टर मैं अपने यू नो ग्रो करना चाहूंगी और काफी सेंसिटिव फिल्म है और एक आई थिंक एक कमर्शियल और एक क्रिटिकल फिल्म का बहुत अच्छा बैलेंस है। थैंक यू। Where's the where are they? They're down. Where are you shouting? Hey, rolling. Sir, rolling. Roll. So, Sunil, क्या कहना चाहते हैं? एक बार फिर से आपकी सारी टीम एक साथ फिर से फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और शाम के बारे में क्या कहना है? I think शाम बहुत ही आई थिंक और सारे एक्टर्स मिलेंगे, अभी यहाँ से काफी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे तो शायद एक आध हीरो बन जाएगा कल, लेकिन हम हमारी फिल्म देसी कट्टे के लिए आए, प्रमोशन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था हमारे हमारे लिए, एक सिंपल कहानी निखिल और अखिल और जय की जो देसी कट्टे बनाते हैं यंग बच्चे, और मैं एज अ मेजर उन्हें एक शूट आउट में देखता हूँ कि क्रुकेड नोजल के साथ भी वो निशाना सही लगाते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि फिल्म में ये हुनर देश के काम आए बल न कि अंडरवर्ल्ड के। अखिल ये डिसाइड करता है कि उसे अंडरवर्ल्ड का पाथ लेना है और जय देश के लिए शूटिंग करता है, एंड वही कहानी देख ही रहे हम, क्रिकेट में तो हार ही रहे लेकिन मेडल्स अगर मिल रहे तो शूटिंग रेसलिंग बॉक्सिंग वेट लिफ्टिंग स्क्वाश बैडमिंटन के लिए तो अच्छा है कि एक अलग स्पोर्ट पे फिल्म बन जाए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी एक साल का मेहनत करना पड़ा है मुझे, काफ़ी मेहनत करना पड़ा है मुझे, इंटरव्यू ले रहा हूँ यू नो कैरेक्टराइजेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी काम करना पड़ा, गैंगस्टर कैरेक्टर था मेरा तो आई हैड टू गेट द गैंगस्टर फील यू नो वो जो पूरा He's a scary guy. He's a passionate guy at the same time. He's a good-looking scary guy. And he's a good-looking scary guy too. You know what I'm saying? अच्छा आना वैसे ना कहीं खबर आ रही है कि इस फिल्म की डेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेट की प्रॉब्लम हुई, आप सब जानते हैं कि सेंसर बोर्ड में प्रॉब्लम हुआ और हमारी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिली इस खास करके गानों के लिए, जिस वजह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नुकसान काफी हुआ। उसके अलावा नुकसान तो फिर भी एक प्रोड्यूसर कभी कभार झेल ही लेता है, लेकिन जब डेट हिलती है तो बहुत सारी चीजें हिल जाती है। 12 सितंबर 28 अगस्त को हम आ रहे थे लेकिन अब प्रॉबेबली 26 सितंबर का डेट मिलेगा तो तब शिफ्ट करेंगे। सर्टिफिकेट मिला सर? अभी कोशिश में तो जब सारी चीजें सेटल होगी आई थिंक तब सर्टिफिकेट मिलेगा और डिसीशन लेंगे। अच्छा अन्ना गणपति आ रहे, गणपति के क्या प्लान्स हैं साथ में? यही बापा मोरिया
पूजा करेंगे और सेलिब्रेट है ना कहीं रोज हर रोज जाना होता ही है। ये 11-12 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। ये एक ऐसा त्यौहार है जब आई थिंक पूरी मुंबई ही नहीं सारा देश ही इकट्ठा होता है और एक साथ में दुआ करते भी हैं, मांगते भी हैं हर चीज के लिए। तो गणपति बाप्पा मोरिया। जो कंटेस्टेंट में जो एक्साइटमेंट था और जो प्रेजेंट करने का उनका तरीका था तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लगा। वो एक्साइटमेंट आप कितने एक्साइटेड थे? आपका फर्स्ट जजिंग था ये तो बहुत ज़्यादा नहीं प्रिपरेशन ऑफ कोर्स क्योंकि आने से पहले मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से होता है और दूसरा वो पेपर्स दे दिए थे तो डेफिनेटली काफ़ी ईजी हो जाता है फिर। लेकिन जज करना थोड़ा सा डेफिनेटली क्योंकि सारे जब एक जैसे ही होते हैं एक जैसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं सब परफेक्ट होते हैं तो उनमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा नवाज सर, फर्स्ट टाइम जज किया तो जी, क्या लगता है आपको एक मॉडल में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक मॉडल में? और अच्छा ना खूबी जो डेफिनेटली एक उसको एक लाइक जैसे हमारे यहाँ बोलते ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, जो सेल्फ आपका स्ट्रांग और इनर आपका स्ट्रांग होना ये ज़रूरी, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आउटर पे आप काम करते हैं वैसे इनर पे भी काम होना चाहिए और एक एटीट्यूड होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, एक तो डेफिनेटली वो ज़रूरी होती हैं, 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैं कहाँ रैंप पे, मैं नहीं मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा कभी जैसे कि आपने बताया मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ एक्चुअली इन सब चीज़ों को लेके, पता नहीं कैसा लगूंगा। लेकिन आप जैसे बताते हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, कभी ऐसा था कि घर में रह के हीरो बन के और मॉडलिंग ही हो घर में ही लोगों को दिखाने के लिए? नहीं कभी, हालांकि कभी रहा तो नहीं क्योंकि शीशे में देख के खुद पता चल जाता है तो इतना ज़्यादा मुझे पता चल जाता था कि मैं इस लायक हूँ नहीं, और डेफिनेटली जो लायक होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे लगता था कि मैं शायद इस लायक हूँ नहीं तो मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं की ये चीज़ें। नवाज़ सलमान का बिग बॉस का ट्रेलर आया है, क्या चाहते हैं बिग बॉस में जाना? नहीं 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 नहीं, डर लगता है क्या? हाँ ऑफकोर्स मुझे तो बहुत डर लगता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं माउंटेन मैन है केतन मेहता की और बदलापुर जस्ट अभी कंप्लीट की और उसके बाद अनवर का जब किस्सा है, बहुत सारी फिल्में हैं जो लाइनअप हैं तो इस साल और नेक्स्ट ईयर रिलीज होंगी। घूम केतु है, गणपति फेस्टिवल आ रहे हैं नवाज, लोग बहुत खुशी से मनाते हैं गणपति, आप कैसे मनाना चाहेंगे? मैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मनाता हूँ मैं गणपति, मैं सभी अपने दोस्तों को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू।